हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। इफ यू लाइक और कंटिन्यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हमसे असाइनमेंट जून 2022 में पूछे हुए लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो वन बाय वन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी बच जाएंगे वो अगले वीडियो में कवर अप करते हुए चलेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जी विद द रियल सिमेट्रिक 3x3 मैट्रिक्स, कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू Q1, Q2, X1, X2 and X3 is equals to X transpose AX, where X is equals to X1, X2, X3 transpose. Which of the following is true? हमें बताना है यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। यहाँ से चार ऑप्शन दिए, सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, पार्ट बी का क्वेश्चन है। सो यहाँ से हमें सीधा सीधा क्यू एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दी गई कहा गया है, वो हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट किस केस में होगी। सो यहाँ से हमें पता है कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट है देन उस केस में हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर पॉजिटिव डेफिनेट हमारे पास आएगी तो उस केस में हमारे पास यहाँ से उसकी एक तो जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास ग्रेट पॉजिटिव होगी। डायगोनल एंट्रीज जो रहेगी वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहेगी। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ से होगा उसका जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बनेगा वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, एंड डायगोनल एंट्रीज ग्रेटर देन जीरो रहेगी, यहाँ से पॉजिटिव एंट्रीज रहेगी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो चीजें तो होंगी होगी, एंड देन यहाँ से उसके जो जितने भी प्रिंसिपल माइनर्स होंगे, प्रिंसिपल माइनर्स हमारे पास यहाँ से क्या होंगे, प्रिंसिपल माइनर्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होंगे। सो अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन कहता है इफ क्यू इज अ पॉजिटिव डेफिनेट देन ए आई जे इज ग्रेटर देन जीरो। ये जरूरी नहीं है कि सारे आई डज नॉट इक्वल टू जी के लिए ग्रेटर देन जीरो है। लाइक अगर हम यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, साथ ही पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स भी है। सो यहाँ से नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जीरो आई है तो यहाँ से ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। सेकेंड ऑप्शन कहता है इफ क्यू आई जी इज पॉजिटिव डेफिनेट देन ए आई आई मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई। जी हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ से होगा, हमें ट्रू ही बताना है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ से ट्रू हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कहता है ए आई जे इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल्स टू जे देन क्यू क्वाड्रेटिक इज, यहाँ से ये होना कोई जरूरी नहीं। हमने ये कह दिया है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है देन यहाँ से उसके केस में हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती है। सो यहाँ से इस केस में हमारे पास ऑप्शन भी करेक्ट है। और बाकी सारी कंडीशंस के लिए हम काउंटर एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। लाइक अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट होगी उसकी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। सो अगर हम ऐसी कंडीशंस ले लें जिनमें नॉन डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एंट्रीज ग्रेटर देन जीरो है, लाइक अगर हम यहाँ से लें 1 -1 एंड 1 एंड -1, ये हमने ले लिया है। सो यहाँ से अगर चेकआउट करें, यहाँ से हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास नेगेटिव आई है, और यहाँ से ये जो मैट्रिक्स बनी है यहाँ से अगर ये एंट्री हम लेते हैं यहाँ से, लाइक थर्ड ऑप्शन के लिए इसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं और इसे हम नेगेटिव ले लेते हैं। सो यहाँ से हमारी एक आइगन वैल्यू तो जीरो ही आएगी क्योंकि रो सम हमारे पास इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, रो सम दोनों का सेम जीरो आ रहा है। सो एक एक आइगन वैल्यू जीरो जीरो होने के केस में यहाँ से पॉजिटिव डेफिनेट तो होगी नहीं। बट हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है अगर ए आई जे ग्रेटर है इक्वल्स टू जीरो हो देन उस केस में हमारा ए आई जे अगर ग्रेटर है ए आई ए, लास्ट ऑप्शन देखो ए आई ए ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव डेफिनेट होगी। यहाँ से ये पॉजिटिव है एंड देन ये एलिमेंट भी पॉजिटिव, बट ये जो मैट्रिक्स है ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। सो ये ऑप्शन यहाँ से काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट ऑप्शन के लिए देखें ए आई जे ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो ले ले देन उस केस में पॉजिटिव डेफिनेट बनेगी, बिल्कुल नहीं। हमने यहाँ से इसी मैट्रिक्स को इंटरचेंज करके अगर ये राइट आउट कर दें, नॉन डायगोनल एंट्रीज हमने पॉजिटिव ली है सारी, फिर भी यहाँ से इसकी एक आइगन वैल्यू जीरो बन रही है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये भी हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बनेगी। सो यहाँ से काउंटर एग्जांपल से हमने सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस ए एन ऑफ रियल नंबर्स टू बी फैबियनिक लाइक सीक्वेंस इफ ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू फॉर ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल टू थ्री देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर वेक्टर स्पेस ऑफ फैबियनिक लाइक सीक्वेंस। सो हमें एक फैबियनिक सीक्वेंस दी है उससे हमारे पास एक सीक्वेंस बनी हुई है। सो फैबियनिक सीरीज से अगर सीक्वेंस देखें तो फैबियनिक सीरीज से अगर सीक्वेंस बन रही हो तो फैबियनिक सीरीज में पहला एलिमेंट हम जीरो लेते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट हम वन लेते हैं, तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वन प्लस जीरो प्लस वन का सम थ्री आएगा, इसका नेक्स्ट एलिमेंट वन प्लस थ्री का सम फोर आएगा, नेक्स्ट फोर प्लस थ्री का सम सेवन आएगा। इस तरीके से फैबियनिक सीरीज चलते हैं। सो फैबियनिक लाइक सीक्वेंस हमारे पास अगर है तो फैबियनिक लाइक सीक्वेंस जो बनेगी उसमें भी हमें कोई भी दो एंट्रीज चाहिएगी। लाइक अगर आप ए जीरो ले लो और ए वन एलिमेंट ले लो, सीरीज के हमने दो एलिमेंट ले लिए हैं, तो जो तीसरा एलिमेंट बनेगा ए जीरो प्लस ए वन के फॉर्मेट में बनेगा, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा वो बनेगा ए जीरो प्लस टू ए वन के फॉर्मेट में। इसी तरीके से इन्हीं दो दो एलिमेंट्स को जोड़ते हुए अगला एलिमेंट बनता जाएगा। सो ये अगर सीक्वेंस हमारे पास बन रही है तो हमें पूछा हुआ है ऐसी जो वैक्टर स्पेस बनती है उसके लिए हमारे पास डायमेंशन
डायमेंशन क्या बनेगी, सीधी सी बात है ऐसी अगर किसी वेक्टर स्पेस बनेगी इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड कितने एलिमेंट होंगे, रिक्वायर्ड हमारे पास दो ही एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट तो ये एक एलिमेंट अगला, तो सिर्फ दो ही एलिमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ से इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन भी हमारे पास 2 हो जाएगी। सो यहाँ से सेकंड ऑप्शन डायरेक्टली हम करेक्ट कर सकते हैं जिसकी ऑप्शन आ गई 1178 है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सपोज ए इज अ रियल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिसेस एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वी। हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ वी क्या होगी। अब ए हमें एन क्रॉस एन की रियल मैट्रिक्स लेनी है जिसकी आर रैंक आर लेनी है, और वी हमें कोई भी वैक्टर स्पेस लेना है, वी बी द वैक्टर स्पेस ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिसेस x such that a of x is equals to 0 आ जाए, देन हमें यहाँ से v के लिए डायमेंशन बतानी है कितनी होगी। सो अगर हम a एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लाइक a अगर आप मैट्रिक्स लो, हम 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 क्रॉस 1 की कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसकी हमने कोई रैंडम एंट्री ले ली है, यहाँ से 3 ले लेते हैं, और इन केस अगर आप यहाँ से देखोगे इस मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की है, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या है 1, और रैंक हमारे पास इस मैट्रिक्स की कितनी है, इस मैट्रिक्स की रैंक भी हमारे पास 1 है। सो अगर हम यहाँ से देखें v हमने एक वेक्टर स्पेस लेनी है n क्रॉस n मैट्रिसेस x सच दैट n क्रॉस n की मैट्रिसेस लेनी है जिसमें x टाइप की, जिसके लिए a ऑफ x इक्वल्स टू 0 है। अब हमारे पास x में हमारे पास एंट्री कैसी भी हो, x1 x2 x3 टाइप की लेंगे, तो यहाँ से n क्रॉस n की लेंगे, लाइक 1 क्रॉस 1 की ही हम इसमें लेनी होगी क्योंकि n की वैल्यू हमने यहाँ से 1 ली है। सो x हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर होगी सो a into x equals to 0 आना चाहिए, लाइक अगर 3 into x करे तो equals to 0 आएगा। ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास x equals to 0 है। अब x equals to 0 आने का मतलब उस मैट्रिक्स के यहाँ से हमारे पास डायमेंशन क्या बन जाएगी, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो यहाँ से इस केस में हमारे पास डायमेंशन 0 हो रही है। अगर डायमेंशन हमारे पास 0 हो रही है तो ऑप्शन से कंपेयर करें, आर की वैल्यू तो 1 है, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कहता है एन इंटू आर, एन इंटू आर की वैल्यू भी 1 है, सो ये ऑप्शन भी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें कहता है एन स्क्वायर इंटू आर, इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 होगी, बट अगर यहाँ से देखते हैं एन की वैल्यू 1 रखी और आर की वैल्यू 1 रखी, 0 हमारे पास इसी केस में बनेगा। सो यहाँ से हमारा लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is, let A be an invertible 5 cross 5 matrix over a field F. Suppose that the characteristic polynomial of A and A inverse are the same. Then which of the following are necessarily true? हमें बताना है कौन सा ऑप्शन नेसेसरी यहाँ से ट्रू होगा। अब A हमें 5 cross 5 matrix लेनी है, साथ ही मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होनी चाहिए, देन A एंड A इनवर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो सेम बन रहा है। सो अगर आप यहाँ से देखते हो, हमारे पास अगर हम कोई भी मैट्रिक्स रैंडम ले लेते हैं, सो यहाँ से हमारे पास लाइक अगर एक मैट्रिक्स ले लें, डायगोनल मैट्रिक्स ले लें जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज हम यहाँ से -1 -1 -1 -1 ले लेते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ले सकते हैं 5 क्रॉस 5 की, हम ले लेंगे यहाँ से 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स ले ली, बाकी यहाँ से ये जो सारी एंट्रीज है वो अदर एलिमेंट 0, एक डायगोनल मैट्रिक्स हमने ले लिए। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स की हमारे पास इन्वर्टिबल भी होगा क्योंकि इसका डिटरमिनेंट -1 बन रहा है, 0 बन नहीं रहा, तो ये इन्वर्टिबल हो गया। अब यहाँ से ए इनवर्स और ए का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो भी सेम बन रहा है। सो यहाँ से अगर आप डिटरमिनेंट चेकआउट करते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर तो हमारे पास 1 बन रहा है, क्लियर है, और डिटरमिनेंट ऑफ अगर ए रेस्ट टू द पावर 5 चेकआउट करोगे, सो ए रेस्ट टू द पावर 5 यहाँ से ए की सारी आइगन वैल्यू -1 है, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास -1 बनेगा। सो यहाँ से ए स्क्वायर करते ही सारी आइगन वैल्यू +1 हो जाएगी, क्योंकि अगर ए की आइगन वैल्यू लेमडा है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू हमारे पास लेमडा रेस्ट टू द पावर एन बनती है, ये हमारे पास रिजल्ट है। सो इस तरीके से अगर यहाँ से चेकआउट करते हैं तो इसकी आइगन डिटरमिनेंट -1 बनेगा, क्योंकि ए रेस्ट टू द पावर 5 की जो सारी आइगन वैल्यू बनेगी वो स्टिल हमारे पास -1 -1 -1 -1 -1 बनेगी। सो उस वजह से इन सबका मल्टीप्लीकेशन -1 होगा और डिटरमिनेंट -1 हो जाएगा, इस वजह से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली अगर ट्रेस की बात करें, यहाँ से ट्रेस होगा ए के लिए, ट्रेस क्या बनेगा ए के लिए, ट्रेस तो यहाँ पूछा ही नहीं है, ए के लिए ट्रेस बनेगा सारी आइगन वैल्यूज का सम, आइगन वैल्यूज -1 है तो सबका सम -5 आ गया। और अगर ए स्क्वायर के लिए हम ट्रेस की बात करें तो ए स्क्वायर की सारी आइगन वैल्यूज +1 होगी, तो सारी +1 का अगर सम करोगे +5 आ जाएगा, तो 1 तो होगा नहीं, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ से देखें ए रेस्ट टू द पावर 5, ए रेस्ट टू द पावर 5 की सारी आइगन वैल्यूज -1 होगी, इनका सम हमारे पास -5 आएगा, ये भी 1 नहीं आ रहा, सो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से इजीली हम काउंटर एग्जांपल से ऑप्शन ही करेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।